बहन जी हैं, इनसे हम इस मोहल्ले की जो समस्या है, जल की जो समस्या है, जो ये गंदा जल है, तो इसके बारे में ये बताएंगे आपको। ये कब से चल रही है समस्या? 4 रोज हो गया। ये जो गंदा पानी जो यहाँ भरा हुआ है, देख पा रहे हैं यहाँ रास्ता भी नहीं है, तो यहाँ मतलब ये तो शायद 4 दिन पहले से होगी। ये तो यहाँ पानी वाली समस्या पहले से ही है। ये तो पहले से ही है, ये तो बिल्कुल ही बन गया हुआ है। नाली 1 महीना से आवा, 2 महीना से आवा, हम खुद ही काट दे तो भी पानी की डांट लग जाती है। हाँ हाँ बिल्कुल, ये इनका बताना है बहन जी का कि मतलब ये पानी की समस्या है, यहाँ तो कोई साफ सफाई की उचित व्यवस्था है नहीं प्रशासन की ओर से। दूसरी बात ये है कि मतलब ये जो पानी भरा हुआ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मतलब जाना भी मुश्किल है, मतलब इस रास्ते से मतलब पूरा नहीं देख ले तो थर सामने नाली की पहाड़ को। अच्छा, आप इधर से कैसे आए? इधर से नहीं, नाली की पहाड़ के ऊपर के आया, देख लियो बाटा रख रखी है। अच्छा अच्छा, इनका कहना है कि ये जो ऊपर जो नाली पे जो बनी हुई है जो छोटी दीवार रूपी, तो इसके ऊपर से चल के आए हैं, बाकी रास्ता तो हमें भी नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे रास्ता है भी नहीं। देख ले भाई। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये आप सर क्या बताएंगे कि इस पानी की समस्या किस वजह से है? ये पानी की समस्या तो वैसे तो पहले से ही है, लेकिन ये ज़्यादा समस्या ये खंभा गिरने की वजह से भी हो गई है। खंभा गिरने की वजह से वहाँ पे गई नाली का रुकाव हो गया है, पानी एक जगह इकट्ठा होने लगा है, तो इसकी वजह से पानी इकट्ठा हो रहा है। अच्छा अच्छा, इस खंभे की वजह से जल का वहाँ रुकाव हो गया, क्योंकि वहाँ पे जो खंभा जहाँ पे था वहाँ पे मतलब वो नाली के मिड में था शायद, है ना? नाली भी टूट गई। अच्छा, नाली भी टूट गई है। तो जी ये ताई जी बैठे हैं, तो इस मोहल्ले में जो कि हम आपको समस्या के बारे में अवगत करा रहे थे, तो ताई जी ये यहाँ पे जो पानी के अलावा और क्या क्या समस्या है इस मोहल्ले में, आप बताओ। सक्या की सब परेशानी है। अच्छा, सक्या की परेशानी है। अच्छा, तो मेन समस्या क्या है थारे अनुसार? मारा नुकसान था, नाली फूट गई करेंट से, तो नाली नहीं बनाई। अच्छा, एक बात, अब यह बारिश आवे ठेठ बरसा माई में ये बांधने बंद करवाया देख। अच्छा अच्छा, बिना गंदे पानी की समस्या है, यहाँ आने जाने का रास्ता है नहीं। दूसरी बात यह है कि यहाँ बूढ़े बुजुर्ग तो बिल्कुल चलने में बिल्कुल समर्थ नहीं है, बच्चे भी यहाँ नहीं चल सकते। एक यहाँ पे बूढ़ा बुजुर्ग इंसान गिर भी गया था इस गड्ढे में, तो ये समस्या है। तो प्रशासन कोई इस पे ध्यान नहीं दे रहा है, तो मंडावा प्रशासन से ये जनता है वो अपील कर रही है कि वोट मांगने के टाइम तो यहाँ लोग पहुँच जाते हैं, लेकिन यहाँ फिलहाल जब समस्या है तो कोई नहीं पहुँच पा रहा है, तो प्रशासन इस पे ध्यान